नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 3992 लोग, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,786 हो गई है। बिहार में जानलेवा कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ा के अनुसार बिहार में आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 3992 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,786 हो गई है। बिहार में निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, कोरोना काल में होगा चुनाव। बिहार में कोरोना संक्रमण के संकट काल में चुनाव होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी बकायदा घोषणा कर दी है। चौंकिए नहीं, हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। यह जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उप मुखिया के चुनाव की घोषणा है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव की घोषणा की। बिहार में कोरोना जांच के नाम पर मरीजों के साथ हो रहा है मजाक। बिना सैंपल लिए रिपोर्ट आ रहे हैं पॉजिटिव। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग नौटंकी का अड्डा बन गया है। यहां पर कोरोना टेस्ट के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। सरकार गंभीर नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना संकट के 5 माह हो गए, फिर भी बिहार सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि कोरोना टेस्टिंग में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाली रिया कैसे खरीदी मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी, ईडी की पूछताछ में नहीं दे पाई जवाब। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ईडी ने कल करीब 9 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी रिया चक्रवर्ती ने कई सवालों के जवाब सही से नहीं दिए। ईडी एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। मुंबई के पॉश इलाके में रिया ने 2 फ्लैट खरीदी है। एक फ्लैट खुद रिया और दूसरा उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। 3 साल पहले सामने आया था सृजन घोटाला। तेजस्वी ने 2 लोगों को दी बधाई। सृजन घोटाले के 3 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने सियासी तंज कसते हुए इन दोनों नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि 3,300 करोड़ के सृजन घोटाले की 3री वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को बधाई। 3 साल की सीबीआई जांच, बीच में जांचकर्ताओं का तबादला, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 3,300 करोड़ की कोई वसूली नहीं, नीतीश जी बताए, सरकारी खजाने का ये 3,300 करोड़ कौन लौटाएगा। बीजेपी विधायक की तबीयत बिगड़ी, IGIMS में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा के भाजपा विधायक दिनकर राम की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद IGIMS पटना में भर्ती कराया गया। उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। भागलपुर में 49 किसान सलाहकारों और समन्वयकों कार्यालय से गायब रहने पर हुई कार्रवाई। कार्यालय से गायब रहने वाले जिले के 49 किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक पर कार्यवाही करते हुए भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने अगस्त माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी। साथ ही कार्यालय से गायब रहने वाले सभी लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। संक्रमण की चपेट में अब बिहार के सीआरपीएफ मुख्यालय, 100 से अधिक जवान संक्रमित। बिहार में बढ़ते कोरोना की चपेट में अब पटना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का बिहार सेक्टर मुख्यालय भी आ गया है। वहां के करीब 100 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालत पर शीघ्र काबू नहीं पाया गया तो बड़ी संख्या में जवान व अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पटना पुलिस ने खोला एक और राज। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में प्रत्येक दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ईडी ने रिया चक्रवर्ती से कई घंटों तक पूछताछ किया। उसके बाद आज सिद्धार्थ पठानी से भी पूछताछ की जाएगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जाँच के दौरान पटना पुलिस ने कम समय में ही अहम सबूत जुटा लिए थे। सुशांत केस की सीबीआई जांच का महाराष्ट्र सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा को गलत बताया गया है।
पटना में 6 अपराधी धराए। हथियार संघ विधायक के फ्लैट से अपराधी से हो रही पूछताछ, ठेकेदार से रंगदारी मांगने के मामले में। राजधानी पटना के बोर्डिंग कैनाल रोड स्थित अपार्टमेंट के एक फ्लैट में शुक्रवार की दोपहर पटना की विशेष पुलिस टीम ने छापा मारकर आधा दर्जन अपराधियों को उठा लिया। पकड़े गए आरोपितों के पास से हथियार बरामद होने की भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यह फ्लैट बाहुबली विधायक के निजी हैं। गोपालपुर में बढ़ रहे रुपए गंगा और कोशी में कट रहे गांव। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। कटाव के नाम पर अब 7 अरब से अधिक रुपए खर्च किए जा चुके हैं, बावजूद इसके हर वर्ष कई गांव इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। कई गांवों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। जनप्रतिनिधियों के स्तर पर जो पहल होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही। भागलपुर में शिक्षा के अलग, अब खूंखार कैदी जलाएंगे, निरक्षरों को बनाएंगे साक्षर, सजा काट कर निकलेंगे तो। भागलपुर में खूंखार कैदियों का हृदय परिवर्तन कर शिक्षा का अलग जगाने की सरकार की योजना भागलपुर में साकार होने लगी है। यहां की शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा में बंद सजा याप्ता कैदी मिशाल कायम कर। भागलपुर के इंटर स्तरीय स्कूलों और कॉलेजों में शुक्रवार दोपहर के बाद मेघा सूची जारी कर दी गई है। पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ था। शनिवार से स्कूल और कॉलेजों में भीड़ बढ़ने की संभावना है। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शुक्रवार को लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन इसमें विलम्ब हो गया। स्कूल और कॉलेजों में इक्का दुक्का ही छात्र छात्राएं पहुंचे थे। भागलपुर में गहराया जल संकट, आदमपुर से नया बाजार तक। स्मार्ट सिटी में भागलपुर का चयन तो हो गया, पर मूलभूत सुविधाओं में से एक पेयजल आपूर्ति की स्थिति अब भी लाचार है। शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था 125 साल पहले बने बरारी वाटर वर्क्स पर ही टिकी है, जिसके न्यू पंप हाउस का 100 HP मोटर पंप पिछले 4 दिनों से खराब पड़ा है। नतीजन मानिक सरकार के जलमीनार में पानी का भंडारण नहीं हो रहा है। इसके करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। आदमपुर से नया बाजार तक इस समस्या से जूझ रहा है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले। भागलपुर में विभाग अध्यक्ष बिना अनुभव वाले डॉक्टरों को बनाया जा रहा है। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना अनुभव वाले डॉक्टरों को विभाग अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ऐसे कई विभाग हैं जहां 3-4 वर्ष में ही डॉक्टरों को विभाग अध्यक्ष बना दिया गया है। असल में स्वास्थ्य विभाग ने कई वर्षों से डॉक्टरों को प्रोन्नति नहीं दी है। अगर प्रोन्नति मिली भी तो विभाग अध्यक्ष बनने के 1 वर्ष बाद ही सेनावृत्ति हो। भागलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज से सभी PG विभागों का सैनिटाइजेशन कराया। TNBU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर AK सिंह के निर्देश पर यह कदम उठाया जा रहा है। DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बताया कि सैनिटाइजेशन के लिए जरूरत के हिसाब से केमिकल की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से दोबारा कोई अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित ना हो, इसके लिए हर आवश्यक एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। सभी को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आने और शारीरिक दूरी का पालन करने को कहा गया है। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर यूट्यूब की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम हैं अदिति कुमारी, उसके बाद है शिवानी शिवम, जिज्ञासा राज, जूली कुमारी, प्रिंस प्रिया, विकास कुमार झा, राकेश कुमार, बेचन कुमार, रविशंकर यादव और MD शाहजहाँ। इसके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम हैं शिव क्रांति, उसके बाद है सुबोध मतवाला, राजीव शर्मा, पुष्पेश परासर, कुमार आशीष, बबलू कुमार पोदार, संकेत शिवम, मिष्टी गुप्ता, मिथुन पटेल, स्वामीनाथ गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।